दोस्तों, आज हम भारत सामान्य ज्ञान 2022 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उत्तर को कवर करेंगे। ये आपके लिए किसी भी तरह की कम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करने में बेहतर साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न एक है, सीबीआई के महानिदेशक कौन है? जो आपका उत्तर हो जाएगा, सुबोध कुमार जायसवाल। यहाँ हम सीबीआई का फुल फॉर्म आपको बता दें तो सीबीआई का फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसे हिंदी में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कहते हैं। इसके बाद प्रश्न दो है, सीबीआई की विशेष निदेशक कौन है? जो आपका उत्तर हो जाएगा, प्रवीण सिन्हा। इसके बाद प्रश्न तीन है, असम राइफल्स के महानिदेशक कौन है? जो आपका उत्तर हो जाएगा, प्रदीप चंद नायर। इसके बाद प्रश्न चार है, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा, राकेश अस्थाना। इसके बाद प्रश्न पांच है, एनसीबी के प्रमुख कौन है? जो आपका उत्तर हो जाएगा, एस एन प्रधान। दोस्तों, यहां हम एनसीबी का फुल फॉर्म बता दें तो एनसीबी का फुल फॉर्म हो जाएगा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसको हिंदी में कहा जाता है स्वापक नियंत्रण ब्यूरो। इसके बाद प्रश्न छह है, एनडीआरएफ के प्रमुख कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा, अतुल करवाल। यहाँ एनडीआरएफ का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। इसके बाद प्रश्न सात है, यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा, प्रदीप कुमार जोशी। यहाँ यूपीएससी का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग कहा जाता है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए प्रश्न आठ देखते हैं, एसएससी के अध्यक्ष कौन है? जो आपका उत्तर हो जाएगा, एस किशोर। यहाँ हम आपको एसएससी का फुल फॉर्म बता दें, हो जाएगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसको हिंदी में कहते हैं कर्मचारी चयन आयोग। इसके बाद प्रश्न नौ है, सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? जो आपका आंसर हो जाएगा, विनीत जोशी। दोस्तों, यहां हम सीबीएसई का फुल फॉर्म बता दें, हो जाएगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसे हिंदी में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहते हैं। इसके बाद प्रश्न 10 है, एनसीईआरटी के नए निदेशक कौन है? जो आपका उत्तर हो जाएगा, दिनेश प्रसाद सकलानी। यहां हम आपको एनसीईआरटी का फुल फॉर्म बता दें, हो जाएगा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद कहते हैं। इसके बाद प्रश्न 11 है, यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा, एम जगदीश कुमार। यहां हम आपको यूजीसी का फुल फॉर्म बता दें तो यूजीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जिसे हिंदी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहा जाता है। इसके बाद है, एनसीएलएटी के अध्यक्ष कौन है? जो आपका उत्तर हो जाएगा, अशोक भूषण। दोस्तों, यहाँ एनसीएलएटी का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल, जिसका हिंदी में मतलब होता है राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण। इसके बाद प्रश्न 13 है, इसरो के अध्यक्ष कौन है? जो आपका उत्तर हो जाएगा, एस सोमनाथ, जो कि 10वें अध्यक्ष बने हैं। यहां हम आपको इसरो का फुल फॉर्म बता दें तो हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हिंदी में मतलब होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसके बाद प्रश्न 14 है, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? जो आपका उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। यहाँ डीआरडीओ का फुल फॉर्म हो जाएगा
डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न 15 है, भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है? जो आपका उत्तर हो जाएगा जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। इसके बाद प्रश्न 16 है, भारतीय थल सेना के उपाध्यक्ष कौन है? जो आपका उत्तर हो जाएगा ले जनरल मनोज पांडे। इसके बाद प्रश्न 17 है, भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा विवेक राम चौधरी। इसके बाद प्रश्न 18 है, भारतीय वायुसेना के उपाध्यक्ष कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा संदीप सिंह। इसके बाद प्रश्न 19 है, भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा एडमिरल आर हरि कुमार। इसके बाद प्रश्न 20 है, भारतीय नौसेना के उपाध्यक्ष कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा एस एन घोरमडे। इसके बाद प्रश्न 21 है, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा वी एस पठानिया। इसके बाद प्रश्न 22 है, बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा पंकज कुमार सिंह। दोस्तों यहाँ बीएसएफ का फुल फॉर्म हो जाएगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसको हिंदी में सीमा सुरक्षा बल कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न 23 है, सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा कुलदीप सिंह। दोस्तों यहाँ सीआरपीएफ का फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसको हिंदी में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कहते हैं। इसके बाद प्रश्न 24 हो जाएगा, सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा सील वर्धन सिंह। दोस्तों यहाँ सीआईएसएफ का फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसको हिंदी में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कहते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन है, आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? दोस्तों यहाँ महानिदेश लिखा हुआ है, जबकि महानिदेशक होना चाहिए, तो इसको आप महानिदेशक पढ़िएगा। जो आपका उत्तर हो जाएगा संजय अरोरा। दोस्तों यहाँ हम आईटीबीपी का फुल फॉर्म बता दें तो आईटीबीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडो तिबेटन बॉर्डर पुलिस, जिसको हिंदी में भारतीय अर्धसैनिक बल कहते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।